और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही YouTube चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप टू क्रीमें रखी हुई हैं जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर क्रीमें मानी जाती हैं। एक ब्रांड है हिमालया की जो दोस्तों मार्केट में पूरे ट्रेंडिंग से छाई जाती है। लगभग इंडिया के लगभग 100 में से 100% लोग हिमालया कंपनी को जानते ही जानते होंगे क्योंकि इसके हज़ारों प्रोडक्ट आते हैं और सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन होते हैं और इसमें ऐसे केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को मिले या आपकी स्किन पे कोई इसका प्रॉब्लम देखने को मिले। इसलिए हिमालया एक ब्रांड बन चुका है जिसपे हम लोग आँख बंद करके भी भरोसा कर लेते हैं। और दूसरी तरफ रखा हुआ डाबर, तो डाबर भी एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरी तरीके से हर्बल चीज़ों से मिलकर के बनाते हैं प्रोडक्ट को, जिसकी दवाइयाँ भी आती है, क्रीमें भी आती, फेस वॉशेस भी आती हैं, लगभग हज़ारों चीज़ें आती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो दो की दोनों प्रोडक्ट ये मेड इन इंडिया है और इंडिया में ही बनाया जाता है और इंडिया में ही प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो दोस्तों आज मैं इन दोनों ही क्रीम का रिव्यू दूंगा और साथ में बताऊंगा ये दोनों जो ये दोनों क्रीमें स्पेशलिस्ट है ठंडियों में यूज़ करने के लिए, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिश करने के लिए और आपकी स्किन को जो है हल्का हल्का ड्राई रखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये खास बात कि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीमें हैं और इन दोनों का मैं रिव्यू दूंगा। ये दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट होगी या फिर दोनों की दोनों ही बेस्ट हैं, इन दोनों की क्वांटिटी, प्राइस और आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ बच्चे एडल्ट टीन हर तरीके के लोग यूज कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का मैं जवाब देना चाहूँगा। यदि मैं एक दो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों रिव्यू को शुरू करते बिना किसी टाइम को ख़राब किए हुए बिना, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिव्यू देना चाहूँगा हिमालया के सिंस का नर्सिंग स्किन क्रीम का, जो कि 100 ml का पैक है जो मार्केट में आपको बिल्कुल आसानी से हर मेडिकल शॉप और ब्यूटी शॉप से 125 rupees में मिल जाता है। तो दोस्तों ये 100% हर्बल है, इसमें जो है किनो ट्री का यूज़ किया गया, साथ ही साथ एलोवेरा का यूज़ किया, खास प्रोडक्ट का यूज़ किया गया उसमें है इंडियन किनो ट्री का जो कि इंडिया में ही पाया जाता है, जो आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ इसमें एलोवेरा का यूज़ किया गया जो आपके चेहरे को मॉइस्चराइज रखता है, साथ ही साथ त्वचा जो है निखरती भी है। और इसमें विंटर चेरी का यूज़ किया गया जो आपके चेहरे को नरस करता है, जिसमें ठंडियों के दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके वजह से जो आपका चेहरा फटने से रुक जाता है, आपके चेहरे पर जो हल्का हल्का रूखापन होता है वो भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। और ये जो बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है, 1930 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में और मेड इन इंडिया ब्रांड है। और दूसरी तरफ रखा हुआ डाबर का गुलाबरी, जिसको मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम है, जिसमें नेचुरल रोज ऑयल का यूज़ किया गया जो आपके चेहरे को जो नरस करता है, साथ ही साथ आपके चेहरे को मॉइस्चराइज भी करता है। और इसमें जो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव लुक में दिख रही है और इसका जो बच्चे वो एडल्टीन हर तरीके के लोग कर सकते हैं, आप इसका सुबह शाम ऑफिस दफ्तर जाने से भी पहले भी कर सकते हैं। आपके चेहरे को हल्का हल्का जो है ग्लोइंग भी करता है, ब्राइटनिंग भी करता है और साथ ही साथ जो है मॉइस्चराइज और ड्राई भी रखता है, मतलब आपकी स्किन को ये नॉर्मल बनाए रखता है। तो दोस्तों ये हर तरीके से दोनों के दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, इन दोनों का वर्सेस करने में कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों ही ब्रांड नंबर वन है इंडिया में। लगभग 19-20 का केवल फ़र्क होगा और इन दोनों पे आप आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं। खास बात क्या, इसमें दोनों ही प्रोडक्ट में हर्बल चीज़ों का यूज़ किया गया है जिससे आपके चेहरे पर साइड इफेक्ट होने का कोई चांस भी नहीं है। तो इसका यूज़ बच्चे भी कर सकते हैं, एडल्ट भी कर सकते हैं और टीन भी कर सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी और प्राइस में हिमालया की बता चुका हूँ और यहाँ पर डाबर की बची हुई तो वो 30 ml का पैक है जो कि 44 rupees में मिल जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ प्राइस भी ज़्यादा खास महंगा नहीं है तो आप इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।